तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप हमको कमेंट करके ये बताइए कि कभी आपके साथ में भी ऐसा प्रॉब्लम हुआ है कि आप कहीं ले गए हैं बाइक चला करके, मान लीजिए मार्केट ले गए हैं या कहीं भी ले गए हैं, कहीं भी बाइक ले गए हैं चला करके और बाइक खड़ी कर दी है, बाइक मान लीजिए खड़ी कर दी है और उसके बाद में आने के बाद में जब इसको स्टार्ट करते हैं तो बाइक आपका स्टार्ट नहीं होता है। चाबी ऑन करने के बाद सब काम करता है मगर बाइक स्टार्ट नहीं होता है, तो ऐसा क्यों होता है? और ये बाइक में भी यही प्रॉब्लम है कि बाइक चलता है और बाइक खड़ी कर देने के बाद में जब इसको स्टार्ट किया जाता है तो बाइक में स्टार्टिंग प्रॉब्लम होता है और आप मैकेनिक के पास मिले जाते हैं, मैकेनिक इसका सारा चीज़ चेक करता है, प्लग ओपन करने के बाद में इसमें थोड़ा सा मोबिल ऑयल डाल करके और इसका क्या करता है कंप्रेसर मंगा देता है, बाइक में कंप्रेसर बार बार कम हो जाता है, बाइक का कंप्रेसर प्रॉब्लम है। तो इसको किस तरह से सही करें? एक दिन में 2-3 बार भी हो जाता है और कभी कभी 2-3 दिन के बाद में भी ऐसा प्रॉब्लम होता है। दोस्तों अगर आपके साथ में भी कभी ऐसा प्रॉब्लम हो जाए तो उसको किस तरह से सही करेंगे सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगा। मैं मैकेनिक हूं और हमारे पास में क्या हुआ है कि एक भाई बोले हैं कि हमारे बाइक में, यही हमारा बाइक है, बोले हैं कि ये बाइक में हमारा हमेशा प्रॉब्लम हो जाता है, कभी कभी दिन में 2-3 बार भी हो जाता है और कभी कभी 2-3 दिन सही चलता है, उसके बाद में इसमें प्रॉब्लम हो जाता है, बाइक खड़ी कर देते हैं, चलते चलते भी इसका जब ढांचा होता है, जब ठोकर आता है कहीं पे ठोकर आता है और बाइक जब ठोकर जब उसको क्रॉस करते हैं, ठोकर क्रॉस करने के बाद में इसमें प्रॉब्लम आ जाता है, इसका किक फ्री हो जाता है, ऐसा किक फ्री हो जाता है, ऐसा किक फ्री हो जाता है और बाइक स्टार्ट नहीं होता है, सेल्फ से भी स्टार्ट नहीं होता है। ये बाइक में सेल्फ नहीं है मगर कोई कोई बाइक में सेल्फ से भी स्टार्ट नहीं होता है और किक से भी स्टार्ट नहीं होता है। ज़्यादातर ये प्रॉब्लम आपका ज़्यादातर हुंडा साइन और ग्लैमर बाइक में और एच एफ डिलक्स में ज़्यादातर ये प्रॉब्लम होता है। तो इसको किस तरह से सही करेंगे, इसको पूरा शॉर्ट आउट करेंगे, तो मैं मैकेनिक हूँ तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि अगर आपके साथ में भी ऐसा प्रॉब्लम हो गया है और आप कहीं पे फंसे हुए हैं तो उसको किस तरह से सही करेंगे, उसके बाद मैं बताऊंगा कि इसको जड़ से इसको शॉर्ट आउट कैसे करेंगे, पूरा इसको जड़ से ख़त्म कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए आप कहीं गए हुए हैं और बाइक को खड़ी कर दिए या बाइक आपका कहीं पर ठोकर है, ठोकर पार करने के बाद में बाइक का कंप्रेसर डाउन हो गया, बाइक का कंप्रेसर डाउन हो जाता है तो जो आपका किक है, बाइक का कंप्रेसर डाउन हो जाता है तो किस तरह से उसको पहचाने, जो आपका किक है किक को ऐसे प्रेस करेंगे तो किक आपका नॉर्मल ऐसे पूरा लूज हो जाएगा, पूरा लूज हो जाएगा, बिल्कुल ही लूज हो जाएगा, लगेगा जैसे कि इसमें आपका कंप्रेशन नहीं बनेगा, लगेगा जैसे कि बिल्कुल ये कहीं पे फ्री हो गया है। तो उसको किस तरह से सही करेंगे, बाइक का किक फ्री हो जाए और कहीं बीच रास्ते में है तो उसको किस तरह से सही करेंगे? तो अगर आप 2 आदमी हैं तो उसको आप क्या कर सकते हो, बाइक का चाबी ऑन करके और बाइक का जो ऐसे आपका कीजिएगा, बाइक का 1 नंबर गियर लगा दीजिएगा, गियर लगाने के बाद में क्लच प्रेस कीजिएगा, प्रेस करने के बाद में जब धक्का दीजिएगा उधर से उसके बाद में एक बार क्लच ऐसे छोड़ दीजिएगा तो स्टार्ट हो जाएगा। और क्या दोस्तों, अगर आप अकेले हैं कोई धक्का देने वाला नहीं है तो क्या कीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। पहले तो बाइक को आप क्या कीजिएगा, यहाँ से चाबी ऑन कर लीजिएगा, चाबी ऑन करने के बाद में यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहीं से आपका बाइक स्टार्ट हो जाएगा। इसको क्या करना है, इसको आपको फुल यहाँ पे एक्सेलेरेटर लेना है, एक बार मैं आपको फिर से दिखा दूँ, ये जो एक्सेलेरेटर है एक्सेलेरेटर को पूरा फुल ले करके, अगर आपका बाइक सेल्फ वाला है तो आपको सेल्फ प्रेस नहीं करना है, तो आपको किक प्रेस करना है, किक प्रेस करेंगे ऐसे, किक प्रेस करेंगे यहाँ से, किक को 10 से 15 बार अगर इसको जोर जोर से प्रेस करेंगे तो आपका बाइक 100% स्टार्ट हो जाएगा और उसको आप ले जा सकते हैं, ले जा करके आप मैकेनिक के पास में उसको सही करा सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा नॉर्मल प्रॉब्लम है, ये आपके बाइक में कभी कभी 1-2 महीना बाद में होता है तो कोई बात नहीं है, मगर ये बाइक में आपका हमेशा हो जाता है, 1-2 दिन में हो जाता है, तो उसको क्या कीजिएगा, उसको आप मैकेनिक के पास में ले जा करके और इसका हेड है, जैसे मान लीजिए मैं मैकेनिक हूँ, हमारे पास ये प्रॉब्लम आया है, ये बाइक में हमेशा ये दिक्कत रहता है, हमेशा ये प्रॉब्लम रहता है कि 1-2 दिन के बाद में ये इसमें हमारा क्या होता है कंप्रेसर प्रॉब्लम हो जाता है, तो उसको सही करने के लिए इसका मैं हेड ओपन करूँगा, हेड में जो इस जो हमारा हेड है इसमें हमारा भेल रहता है, भेल आयल्स रहता है, जो भेल आयल्स रहता है, भेल आयल्स इसलिए हमारा क्या होता है कभी कभी जैसे कि हमारा रबर का रहता है वो हार्ड हो जाता है जिसके कारण भी प्रॉब्लम रहता है, और जो हमारा भेल है हल्का सा टेढ़ा हो जाता है जिसके कारण भी ये हमारा प्रॉब्लम रहता है। तो कभी आपको अगर इसको जड़ से ख़त्म करना होगा, पूरा शॉर्ट आउट करना है, तो इसको क्या कीजिएगा, इसका जो हेड है, आपके साथ में भी कभी ऐसा प्रॉब्लम है तो इसका हेड को ओपन कर लीजिएगा, हेड ओपन करने के बाद में भेल का इसको अच्छी तरह से ले करके लेथ मशीन पर इसका नया भेल आयल्स और नया भेल लगा करके अच्छी तरह से इसमें फिटिंग कर दीजिएगा फिर से, उसके बाद में कभी आपको ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। और हाँ दोस्तों, अगर ऐसा प्रॉब्लम आपके साथ में 2 महीने या 3 महीने के बाद में कभी एक बार हो रहा है तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम, उससे टेंशन लेने का जरूरत नहीं, उससे आपका बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। होंगे और वीडियो हमारा लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल हमारा सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट आप लोग अभी तक नहीं किए हैं, कमेंट करके हमको बताइए कि आपके साथ में कभी ऐसा प्रॉब्लम हुआ है और हमारा वीडियो देख करके उसको शॉर्ट आउट किए हैं, तो आप कमेंट करके हमको बताइए।